शिव शंभु, जय विश्वेश्वर महाराज की जय। द्रोणाचार्य जी के नाम पे ही देहरादून का नाम पड़ा था। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे माई न्यू ब्लॉग, गुड इवनिंग। एक्चुअली आप लोग हमारे ब्लॉग मॉर्निंग में देख रहे होंगे, इसलिए आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग। मैं पिछले ब्लॉग में बताया था आपको, मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर आने वाला हूँ। ये भगवान श्री टपकेश्वर महादेव का मंदिर है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसका मैं स्टोरी सुनाता हूँ आपको। इसका स्टोरी ये है कि यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम था। गाइस, भोले बाबा को चढ़ाने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं प्रसाद वगैरह जो भगवान को चढ़ाया जाता है, तो मैं यहाँ से परचेज कर रहा हूँ एक, फिर आपको स्टोरी सुनाता हूँ। तो गाइस, 148 स्टेयर्स डाउन होकर के टपकेश्वर, फिर टपकेश्वर मंदिर स्टार्ट होता है। ये रहे द्रोणाचार्य ना। वाह, लिफ्ट भी है यहाँ पे। और ये सुदर्शन भाई के साथ मैं आया यहाँ पे, सुदर्शन भाई के घर के जस्ट पास में था, इन्होंने बताया, मुझे पता नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस टेंपल के कारण द्रोणाचार्य जी के नाम पे ही देहरादून का नाम पड़ा था। भाई जी, तो द्रोणाचार्य जी के नाम पे ही देहरादून का नाम पड़ा था। इधर गुफा है, यहाँ चढ़ेगा अंदर में, शिवलिंग है वहाँ जा सकते, इधर से ही रास्ता है। जय माता रानी। क्या लेके आ रही हो? डॉक्टर कौन है इसमें? डॉक्टर कौन है? किसका है ये डॉक्टर किट? मेरा। तुम्हारा है? तुम डॉक्टर हो? ये डॉक्टर है जो। वो भाई ने मेरे को ठंडा जलेबी खिला दिया। ये भाई बहुत टेस्टी जलेबी है, ये सच अच्छा। दुकान का नाम देख लो, गौरव स्वीट। हेलो गाइस, आज मैं देहरादून से भीमताल के लिए जा रहा हूँ, नॉट बाय एयर, बाय ट्रेन। ट्रेन हमारी खड़ी है, देहरादून एक्सप्रेस। एंड कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग? एक्चुअली नाइट में बनाया था, इस वजह से बहुत ही डार्क था टेंपल का, तो मैं स्टोरी भी सही ढंग से सुना नहीं पाया। तो नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो फिर उसको सुनाऊँगा। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
मैं अब जा रहा हूँ सोने के लिए, सो करके निकलूँगा, मॉर्निंग में पहुँचूँगा देहरादून से काठगोदाम। फिर मिलते हैं गाइस।